हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो अभी हमने जाना है मम्मी को पिकअप करने के लिए। 3 बजे मम्मी की छुट्टी हो रही है। मम्मी ले कहाँ गई मम्मी? आ गई ला ले कैंडी ले कैंडी फॉर कार्तिक। चलो बैठो पीछे। मम्मी कैसा था आज काम? आज काम क्वाइट था क्योंकि आज संक्रांत है। सब लोग आज अपने पर संक्रांत नहीं मनाई आज? आज कल लोहड़ी मनाई थी। अच्छा, कल तो बिजी होगा पूरा। आज शाम में मनाएंगे संक्रांत भी, तो फिर सब अपने घर में। और वैसे संडे भी आज क्वाइट तो नहीं होना चाहिए? फिर संक्रांत है ना, वो अपने घर पे मनाएंगे, खाना खाएंगे घर पे बना के। कार्तिक खा गया सारी कैंडी? ऐना के लिए बचा लिए? ठीक है, आना को देगा? ठीक है। ये कुछ नया को ले आके यहाँ है ना, कि पहले भी था? कौन ये पार्टीज वगैरह जो घर जनरल रिवील वगैरह कराए थे, या फिर सामान खरीदते होंगे? हम पहले जाएंगे मम्मी के घर क्योंकि आना इस भी वहीं पे है। ये मम्मी का घर है, पीछे पार्किंग है। सवेरे जब मैं उठी 11 बजे, धूप इतनी अच्छी निकल रही थी, मैं चल बाहर घूम के आएंगे आज तो कहीं। और थोड़ी देर में देखा तो बारिश, घूम फिर के आने लग गई है भूख। हम बना रहे हैं पिज्जा, इसमें थोड़ी सी डाल लेते हैं मिर्च, चटपटा बना लेते हैं इसको। हमने इसमें मिर्ची डाल दी और थोड़ी सी प्याज। ये बन गया हमारा परफेक्ट पिज्जा। और वेजिटेबल इसमें पहले से ही थी, तो रख देते हैं इसको। ये बच्चों के लिए होली में विदाउट मिर्ची, स्पाइसी नहीं बनाया ये मैंने, क्योंकि तो बच्चे भी खाएंगे। हमने अपना सब्जी वाले में मिर्च डाल ली थी। डन, पिज्जा रेडी। ये हमारा बन गया, ये देखो कितना अच्छा बन रहा है। ये बच्चों वाला भी रख देते हैं। 5 ही मिनट लगी बस। गाइस अब हम इसको कट कर लेते हैं। अच्छा कॉफी बना ले साथ में है? पिज्जा के साथ कौन कौन कॉफी ठीक है? मैं पीऊंगी ना। चलो स्पाइसी है, ध्यान से खाना। कार्तिक तुम्हारे बड़ा निकल रहा है। ओके स्पाइसी, साथ में मैंने बना लिया है कॉफी। स्पाइसी मम्मी एंजॉय करो। हाय गाइस, पिज्जा खाओ गरम गरम। पिज्जा खाओ पिज्जा। आई लव पिज्जा, इट का पिज्जा। हां ना, इच्छा इट का पिज्जा। आई एम मशीकली ईट। इंग्लिश के साथ करे नहीं बोलते, करे अपना हिंदी होता है। क्या बोलेगा? हिंदी। ये ले बेटे, 3 संक्रांति को 3 है। हाँ ये लो, ये पैसे भी ले। अरे यहाँ पर थैंक यू, वेलकम। तो गाइस कॉर्न मिल गया, रेवड़ी मिल गई और मूंगफली मिल गई, खूब खाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। क्या लेगा, वीडियो या फोटो? फोटो भाई।
टीवी तो बचा कर रखियो पापा। टीवी नहीं तोड़ना ओके। त्योहार तो पहले होया कर दे, नई बू आया कर दी उसके घर के, फिर सारे परिवार के कपड़े दे थे, फिर गली में सारी गली की इकट्ठी होकर शक्कर चोल बनाया कर दे और अपने फिर धूप बारिया कर दे, ईद के है इस तो घर में रसगुल्ले खावा मोल के लिया कर। इंग्लैंड में तो पता ही नहीं लगता आज के हर के नहीं है। जैसे कि गाइस देख सकते हो अभी सिर्फ 5 बजे हैं और अंधेरा देखो कितना हो चुका है। हम जा रहे हैं घर, मैं आई हूँ अभी अपनी मम्मी के पास से, मम्मी पापा को मिल के आई हूँ। तो ये देखो मेरी संक्रांति की कोथली। वैसे इंग्लैंड में ऐसा कुछ होता नहीं है बट फिर भी रीत रिवाज जो भी है मेरे मम्मी पापा हमेशा मनाते हैं, जो मतलब लेना देना है मेरे को वो हमेशा करते हैं। हम तो ये कर रहे हैं ठंडा ठंडा मौसम। हाँ ठंडा लग रहा ना, अच्छा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हम पैदल ही निकल पड़े, गाड़ी घर पे खड़ी है। हम जा रहे हैं मंदिर पे, सो वी जस्ट गॉट आउट ऑफ ग्रैंडमाज हाउस एंड वी एट फ्रूट्स एंड देन वी वेंट टू शावर बिकॉज इफ यू डोंट शावर वी आर टर्निंग इनटू अ डोंकी। बट एनीवेज नाउ वी आर इन द कार, आई एम शोइंग यू द व्यू। कार्तिक हर टाइम एक रिदम लेता है और एक वर्ड लेता है और फिर वो बार बार रिपीट करता है। हम अभी मंदिर के पास है, ये है मंदिर। हम सिर्फ एक पार्किंग देख रहे हैं, आज भीड़ होगी। आरती के लिए सभी खड़े हो जाए। सोहन शर्मा एंड फैमिली प्लीज आगे व्यू आगे आ जाए। आरती के लिए सोहन शर्मा एंड फैमिली और फ्रेंड्स। उधर आरती चल रही है और कार्तिक अपनी मस्ती में है, यहाँ पर भी ऐसी ही है। देख सकते हो कितनी भीड़ लगी हुई है। पहले कार्तिक ने मत्था टेका, उसके बाद भोले पर जल खुद ही चढ़ाया, सारे काम खुद ही करता है ये। फिर हम मंदिर में आके मुझे तो बहुत सुकून मिलता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम लंगर हॉल में गए। हम मंदिर में जाएं और लंगर ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। साग मक्की की रोटी, दाल चावल, मटर पनीर, मुँह में पानी तो आ रहा होगा सबके। पेट भर खाया और निकल दिए घर की तरफ। अब हम जा रहे हैं, कार्तिक आगे आगे मैं पीछे पीछे। तो गाइस हम पहुंच गए अपने घर, हमने अपना संक्रांत का त्यौहार इस तरह से मनाया और आपने कैसे मनाया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।